उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पार्टी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गाहे बेगाहे हमेशा आप संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को अधिकारियों की मनमानी वाली राग अलापते जरूर देखते होंगे। ऐसे में एक बार फिर यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने यूपी में अधिकारियों के मनमानी को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि मंत्रियों के कहने पर काम नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि आज राज्य में ज्यादातर अधिकारी ऐसे हैं जो विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा समाज के अहित में लगे रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मंत्री भी कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि जमीनी स्तर पर जो लोग मंत्री को ही सरकार समझते हैं, ऐसा पहले होता भी था, लेकिन आज मंत्रियों के कहने पर कुछ नहीं होता। मुझे याद है कि हम लोगों के युवा अवस्था के दिनों में जब वीर बहादुर सिंह सीएम हुआ करते थे तो हमारे घर आते थे, उन्हें लोग फटे कागज पर भी कुछ लिख कर देते थे तो वह तुरंत काम हो जाता था। संजय निषाद ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह एक परंपरा थी, कई बार मेरे समाज के लोग काम न करा पाने पर नाराज होते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के मुद्दों के लिए मैं पूरे दम से आवाज उठाऊंगा। कि मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय की व्यवस्था का मैं मजबूर नेता हूं। उन्होंने जौनपुर में निषाद समाज की एक महिला का घर गिराए जाने के नोटिस पर कहा कि वह मेरे पास आई थी। यह लोकसभा चुनाव के पहले की बात है। अधिकारियों ने कानून तो लागू कर दिया, लेकिन उससे पहले परिवार को कहीं बसा लेना चाहिए था। फिर इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? आखिर ऐसा क्यों होने दिया गया? यह चुनाव का वक्त था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए थे, लेकिन हारने के बाद तो कह सकता हूँ ना। संजय निषाद ने कहा कि अधिकारी सीधे सीएमओ से जुड़े हुए हैं, पोस्टिंग और ट्रांसफर वहीं से होते हैं। पहले परंपरा थी कि यदि कोई मंत्री डीएम को लिखता था कि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसका तुरंत ट्रांसफर होता था। तब जनप्रतिनिधियों का एक डर होता था जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन आज हम कोई काम नहीं कर सकते। हालांकि संजय निषाद ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब चीजों का संज्ञान लेना शुरू किया है। उन्होंने पिछले दिनों पूरी एक पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा करीब एक दर्जन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था, लेकिन अब भी ऐसे कई अधिकारी हैं जो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। ऐसे लोग वोट बैंक खराब कर देते हैं। संजय निषाद ने बताया कि निषादों के आरक्षण के नैरेटिव के चलते लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस हार की वजह अति आत्मविश्वास थी। निषाद ने आगे कहा कि यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, यहाँ आरक्षण बड़ा मसला है। राज्य में यादव, धोबी, पासी, कुर्मी और मौर्य जाति को आरक्षण का अच्छा लाभ मिला है, लेकिन कश्यप, कुम्हार, पाल, केवट और बढ़ई जैसी जातियाँ इसका फायदा नहीं उठा पाई हैं, लेकिन इन्हें आसानी से आरक्षण के नाम पर बरगला दिया जाता है। ऐसा ही चुनाव में भी हुआ और भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी इसका काउंटर नहीं कर सकी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।